अगर आप बैंक एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक एम्बुलेंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम कर रहे थे कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल ही, दैट वाज अबाउट फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस अंडर फैम एंड अदर रेगुलेशंस। उसका हमने यूनिट 5 खत्म करा था, दैट वाज अबाउट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज हम अपना अगला यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रुपी और फॉरेन करेंसी वोस्टो अकाउंट्स एंड रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स अकाउंट। बेसिकली एक तो फोस्टो अकाउंट चाहे वो इंडियन रुपीस के अंदर हो चाहे फॉरेन करेंसी वाले हो, उसको किस तरीके से खोला जाएगा, उनके लिए क्या गाइडलाइंस होगी उनको देखेंगे। उसके बाद हमने जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट डिस्कस करे थे, उन अकाउंट्स को क्या करने वाले हैं हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को मैंने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। चार पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज विद रिगार्डिंग टू द वोस्टो अकाउंट्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। ठीक है, एक्सचेंज हाउसेस बेसिकली ऐसे एंटिटीज जो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको एक्सचेंज हाउसेस समझ सकते हो। ठीक है, उनके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं कि वो वोस्टो अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उन्हें करने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट क्या होते हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या हैं, उन केस के अंदर डिफरेंट केसेस के अंदर क्या क्या कोलेटरल कवर्स हम अपने पास रखने वाले हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस, कुछ मिसलेनियस रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी अबाउट द अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स, कि नॉन रेजिडेंट बैंक्स अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं इंडिया में वो किस तरीके से खोला जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस होगी उसको देखेंगे। उसके बाद नॉन रेजिडेंट्स के जो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हो सकते हैं हम उनके बारे उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ पार्ट विल बी अबाउट द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट एंड अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स इन इंडिया एंड ओवरसीज, कि इंडियन रेजिडेंट इंडिया के अंदर ही फॉरेन करेंसी अकाउंट्स और डिपॉजिट किस तरीके से खोल सकते हैं एंड उनके रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस, उन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज पहले भी डिस्कस करी थी, नोस्टो एंड वोस्टो अकाउंट, उसके ऊपर दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज अ नोस्टो अकाउंट, व्हाट इज अ वोस्टो अकाउंट। नोस्टो अकाउंट बेसिकली इसकी डेफिनेशन आती है आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, कि बेसिकली नोस्टो और वोस्टो अकाउंट सेम ही होते हैं, डिपेंड करते हैं हम किसके परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, लेट इट बी एग्जाम्पल ए एंड बी, दिस इज अ बैंक इन इंडिया, ओके दिस इज अ बैंक इन यूएसए। ठीक है, अब नोस्टो अकाउंट की डेफिनेशन क्या है, आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक। बेसिकली सपोज इंडिया जो यूएसए वाला बैंक है उसने इंडिया के अंदर एक अकाउंट खुलवाया, ठीक है इसने खुलवाया डिपॉजिट अकाउंट, तो बेसिकली यूएस वाले बैंक का इंडिया के अंदर क्या है, नोस्टो अकाउंट। जब हम किसके प्रस्पेक्टिव से देख रहे हैं, बैंक बी के बेसिस पे। जब हम यही प्रस्पेक्टिव चेंज कर देंगे टू द बैंक ए, मतलब बैंक ए क्या कर रहा है, उसने बैंक बी का अपने पास अकाउंट मेंटेन कर रखा है, तो उसको बोलेंगे हम वोस्टो अकाउंट। तो अगर हमने किसी और फॉरेन बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखा है वो हमारे लिए वोस्टो अकाउंट है, एंड वो सेम बैंक अकाउंट फॉरेन बैंक के लिए क्या हो जाता है, उसका नोस्टो अकाउंट हो जाता है। सो वोस्टो, जैसे नोस्टो अकाउंट की डेफिनेशन क्या हुई, आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, वोस्टो अकाउंट की डेफिनेशन हुई योर मनी ऑन डिपॉजिट एट आर बैंक। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरे पास यूएस का अकाउंट है, यूएस वाले बैंक का अकाउंट है, तो मतलब उसका पैसा मेरे पास डिपॉजिट में पड़ा, तो मेरे लिए वो क्या है, एक वोस्टो अकाउंट है। हम उसी वोस्टो अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जब नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट इंडियन बैंक इंडियन ऑथराइज डीलर के पास खोल रहे हैं, तो वो हमारे लिए वोस्टो अकाउंट है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो वोस्टो अकाउंट है वो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। रीजन बीइंग कि एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट होती है, वोस्टो नोस्टो अकाउंट्स के थ्रू बहुत इजीली प्रोसेस करी जा सकती है। वोस्टो अकाउंट्स यूज किस किस लिए होते हैं, करेंसी एक्सचेंजेस के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम्स के लिए एंड लोकल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवाने के लिए वोस्टो अकाउंट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वोस्टो अकाउंट खुला है इंडियन रुपीज के अंदर, ये हम एग्जाम्पल ये कैरी ऑन करते हैं। यूएसए वाले बैंक ने क्या करा है, इंडियन बैंक के अंदर ठीक है अकाउंट खोला इन रुपीस। ठीक है, तो हमारे पास उसका क्या है, वोस्टो अकाउंट। अब सपोज एक पर्सन है जो यूएसए के अंदर है, वो चाहता है कि किसी इंडियन वाले पर्सन को उसको पेमेंट करनी है रुपीस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट बी के पास जा सकता है कि यार मैं ये पेमेंट करना चाहता हूँ टू द पर्सन लेट इट बी डी इन इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में होगी तो किस में होगी, INR में होगी। ठीक है,
पर्सन लेट इट बी ई है, वो बी के पास जाता है कि भाई पेमेंट करनी है, तो बी क्या करेगा, डायरेक्ट अपना जो वोस्ट्रो अकाउंट होगा उसके थ्रू ही पेमेंट कर देगा टू द डी। तो डी जो वोस्ट्रो अकाउंट है वो बेसिकली किस लिए यूज कर, किस लिए हेल्प करते हैं, लोकल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करवाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सो वोस्ट्रो अकाउंट की अगर डेफिनेशन देखें तो वोस्ट्रो अकाउंट इज हेल्ड इन अ लोकल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन बैंक, कि लोकल बैंक में अकाउंट होता है किसी फॉरेन बैंक का, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट मस्ट कंसीडर द रेगुलेशन ऑफ द होल्डिंग बैंक एंड प्रोसीजर्स फॉर द फंड ट्रांसफर। होल्डिंग बैंक कौन हुआ, जिस बैंक के अंदर अकाउंट खोला गया, तो अगर उसके अंदर वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर एंड रेगुलेशन है उसको हमने फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे वोस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन हुई, नोस्ट्रो अकाउंट की डेफिनेशन क्या हुई, नोस्ट्रो अकाउंट इज अ लोकल बैंक अकाउंट हेल्ड इन द करेंसी ऑफ द फॉरेन बैंक, कि हमने क्या करा है, फॉरेन बैंक के अंदर ही उनकी ही करेंसी के अंदर अपना एक अकाउंट खोला हुआ, उसको बोलेंगे हम नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। अकाउंट हेल्ड बाय आर बैंक इन फॉरेन करेंसी एट अनदर बैंक, वोस्ट्रो क्या हुआ, अकाउंट हेल्ड बाय फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक कंट्री एट आर बैंक, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वोस्ट्रो ओवर नोस्ट्रो अकाउंट डिपेंड्स ऑन वेयर द बैंक एसेट्स आर इंटेंडेड टू बी यूटिलाइज्ड, जो बेसिकली जहां वो बिजनेस एसेट जो आपने रखी हुई है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट में, जिस टाइप से आप उसको यूज करना चाहते हो उस टाइप से हम इस अकाउंट्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना पहला पार्ट शुरू कर रहे हो द चैप्टर, दैट इज विद रिगार्ड टू द ऑपरेशंस ऑफ रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एडी कैटेगरी वन ब्रांच क्या करता है, रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट करता है विद द नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस। नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस जो एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन रेजिडेंट है, इंडियन के रेजिडेंट नहीं है, उनके साथ क्या करा जाता है, रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट, रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, जिसको आरडीएस बोलते हैं शॉर्ट में। आरडीएस बेसिकली क्या होते हैं कि दो पर्सन आपस में एक अरेंजमेंट के अंदर आते हैं कि मैं तेरे पास अकाउंट खुलवाऊंगा, तू मेरे पास अकाउंट खुला, एंड उसके थ्रू हम क्या करेंगे, रुपी की पेमेंट्स को फैसिलिटेट कराएंगे, ट्रांजेक्शन्स को रुपी के अंदर सेटल करेंगे, उसको कहा जाता है रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट। तो विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ आरडीए कर सकते हैं। वो कंट्रीज कौन कौन सी है, गल्फ कंट्रीज, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया एंड ऑल द अदर एफएटीएफ कंप्लायंट कंट्रीज, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, आरडीए अग्रीमेंट के अंदर आ सकते हैं। जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा तो विद द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस आरडीए के अंदर हम एंटर कर सकते हैं, एंड जब हम आरडीए के अंदर एंटर करेंगे हमें क्या करना है, आरबीआई को इन्फॉर्म करना है कि हमने इस कंट्री के साथ या इस एंटिटी के साथ आरडीए करा है। उसके बाद जब आपका आरडीए का नंबर टोटल 20 तक पहुंच जाएगा, मतलब अपने टोटल अरेंजमेंट 20 के अंदर आप एंटर कर गए, तो एडी कैटेगरी वन ब्रांच ने क्या कराना है, अपने इंटरनल सिस्टम का एक्सटर्नल ऑडिट कराना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि जो भी उनका बिजनेस फंक्शन है वो एक्चुअली प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट बैंक में ऑथराइज मोर आरडीएस विद द कॉपी ऑफ द बोर्ड नोट एंड रेजोल्यूशन फाइल विद द रिजर्व बैंक। बेसिकली आपने क्या करा, जब आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स हो गए 20, तो आपने क्या करा, अपने प्रोसीजर्स का, अपनी फंक्शनिंग ऑडिट करवाया, एंड ऑडिट में आया कि सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, नए आरडीएस के अंदर एंटर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड के रेजोल्यूशन की कॉपी किसको फाइल कर देनी है, आरबीआई को बता देनी है। इन एनी केस आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यह आता है कि आपके जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फंक्शनिंग में लाने के लिए आपको जो भी प्रोसीजर्स करने की जरूरत है आपको वो परफॉर्म करने। उसके बाद एटी कैटेगरी वन ब्रांच मस्ट कंडक्ट नेसेसरी इंक्वायरीज अबाउट द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस, कि जब आप उनके अकाउंट खोल रहे हो उनसे पहले उनकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल चीजों के बारे में जानकारी लो, कि क्या जो एक्सचेंज हाउसेस जिनके साथ हम आरडीए करने वाले हैं, क्या वो अपना फंक्शन प्रॉपरली वर्क करते हैं, क्या वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंक मस्ट एंश्योर दैट द ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने उनसे लेने हैं और खुद को ये इंश्योर करना है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो चुकी है, ठीक है। इन केस एक्सचेंज हाउसेस सिंगल हैंडेडली भी हो सकते हैं एंड पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, तो अगर वो पार्टनरशिप है तो सारे के सारे पार्टनर्स की, सिंगल हैंडेडली है तो सिंगली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अरेंजमेंट की ऑब्लिगेशन है उसको वो क्या करें, पूरा करें। उसके साथ साथ बैंक्स ने क्या करना है, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ कैश डिपॉजिट टू करेंसीज के रिलेटेड उन्हें क्या लेना है, कोलेटर लेना है। बेसिकली जब आप ये अकाउंट्स खोलोगे उनके रिगार्डिंग आपने उनसे क्या ऑब्टेन करना है, कोलेटर ऑब्टेन करना है। कोलेटर की लिमिट कितनी है वो हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेशनल ऑफ द वोस्ट्रो अकाउंट। अब हम शुरू करना है ऑपरेशन इन द रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट किसी फॉरन बैंक का इंडियन बैंक के अंदर अकाउंट खोला गया जो कि रूपी डोमिनेटेड है। जो हमने एग्जांपल ली थी, यूएसए वाले बैंक ने इंडियन बैंक के अंदर क्या करा है, अकाउंट खोला है इन INR, ठीक है। उसकी हम ऑपरेशनल गाइडलाइंस को अब देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है
की अकाउंट्स यूज किस किस लिए हो सकते हैं? फॉर द चैनलिंग क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेज इनटू इंडिया प्राइमरली ऑन द प्राइवेट अकाउंट. बेसिकली इंडिया के अंदर इनवर्ड रेमिटेंस करने के लिए वोस्ट अकाउंट का हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो भी रेमिटर है एंड जो बेनिफिशियरी है दे शुड बी इंडिविजुअल्स बेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस. मतलब मेजरली केसेस में क्या होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस. उसके बाद इनके अंदर जो रेमिटेंस करी जाएगी, रेमिटेंस की मैक्सिमम जो लिमिट डिफाइन करी गई है दैट इज 15 लाख पर ट्रांजेक्शंस. की वोस्टो अकाउंट के अंदर जब इनवर्ड रेमिटेंस होगी तब वो मैक्सिमम कितनी कर सकते हो, मैक्सिमम 15 लाख पर ट्रांजेक्शंस. ओके, उसके अंदर एक और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी वोस्टो अकाउंट है वो सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए यूज होगा, आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए हम वोस्टो अकाउंट का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अपने अलग प्रोसीजर्स हैं. तो इंडिया के अंदर अगर पैसा लाना है तो आप वोस्टो अकाउंट की हेल्प ले सकते हैं. वोस्टो अकाउंट वर्क किस तरीके से करेगा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद इन अकाउंट होल्डर्स को किसी भी तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी. ठीक है, उसके साथ साथ अगर डीडीए प्रोसीजर वाला केस है तो डीडीए के अंदर जो फंड्स पड़े हैं उनको हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड करेंगे. डीडीए प्रोसीजर्स भी हम नेक्स्ट पार्ट पॉइंट 3 के अंदर ही कवर करेंगे. उसके बाद सेपरेट रूपी वोस्ट अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉर ईच एग्रीमेंट. द अकाउंट शुड बी फंडेड बाय सेल ऑफ परमिटेड फॉरेन करेंसी टू द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच व्हिच मेंटेन्स द अकाउंट और रूपी फंड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर एडी कैटेगरी 1 ब्रांच और अनदर वोस्ट अकाउंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट टू द अकाउंट. बेसिकली आप जितने अरेंजमेंट्स करोगे हर अरेंजमेंट के लिए आपको क्या बनाना है, एक सेपरेट रुपये वोस्ट अकाउंट बनाना है. उसके साथ साथ जब आपने अकाउंट बना लिया उसके अंदर आपको क्रेडिट डालने हैं, पैसा डालना है, तो पैसा किस लिए अलाउ, किस तरीके से अलाउ करा जाएगा, दे शुड बी ओनली फंडेड बाय द सेल ऑफ द परमिटेड फॉरन करेंसी टू द एडी कैटेगरी 1 बैंक. बेसिकली जो आपकी फॉरन करेंसी होगी आप उसको बेचोगे, उसको बेचने से जो इंडियन रुपीज मिलेंगे आप उसको इसके अंदर क्रेडिट करवा सकते हो. आप किसी और ब्रांच से ट्रांसफर करा के, किसी और वोस्ट अकाउंट से ट्रांसफर करा के इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं करा सकते, उस तरीके की क्रेडिट्स अलाउड नहीं है. द ओनली क्रेडिट दैट इज अलाउड इज द सेल ऑफ द परमिटेड फॉरेन करेंसी. ठीक है, उसके साथ साथ ये हुआ क्रेडिट की बात. डेबिट्स ऑफ परमिटेड टाइप्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस मे बी अलाउड फ्रीली एंड गिव द सेम स्टेटस एज रेमिटेंस मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज इन एन अप्रूव्ड मैनर टू इंडिया. की क्रेडिट्स हमने देखे, आपने करेंसी बेची उसका जो पैसा है उसे क्रेडिट कर दिया. डेबिट्स कौन कौन से अलाउड होंगे, डेबिट्स वो अलाउड होंगे कि आप क्या कर रहे हो, किसी को इनवर्ट रेमिटेंस दे रहे हो, किसी को पैसा पे कर रहे हो, आप फ्रीली वो कर सकते हो एंड उस रेमिटेंस को इस तरीके से ही ट्रीट करा जाएगा जैसे कि आपने फॉरेन करेंसी के अंदर रेमिटेंस करी है. क्योंकि वोस्टो अकाउंट इज जस्ट अ मेथड टू रेमिट, वो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप वोस्टो अकाउंट के थ्रू कर रहे हो तो आप इंडियन रुपीज के अंदर रेमिटेंस कर रहे हो. नो, वोस्टो अकाउंट सिर्फ हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसकी मदद से हम इजिली फॉरेन करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर क्या कर सकते हैं, रेमिटेंसेस कर सकते हैं, इसलिए इनको सेम स्टेटस दिया जाता है. उसके बाद ऐसे अकाउंट्स के जो फंड्स होंगे ना वो कन्वर्टेबल होंगे, ना हम उसको किसी और ब्रांच में या किसी और रेजिडेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं. सिर्फ उसको किस लिए यूज करा जा सकता है, इनवर्ट रेमिटेंसेस के लिए यूज करा जा सकता है. इन अकाउंट के ऊपर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आपको नहीं प्रोवाइड करा जाएगा. सो रूपी वोस्ट अकाउंट जो खोले जाएंगे उसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है. उसके बाद द ब्रांच ऑफ द एडी कैटेगरी 1 बैंक मेंटेनिंग द रूपी वोस्ट अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज हाउस शुड नॉट क्रेडिट टू द अकाउंट रुपीज purchased by letters unless confirmation is received to the effect that the notes account of the AD category 1 branch has been credited with the counter value in foreign currency. Basically, इस पॉइंट को आप लिंक करेंगे पॉइंट नंबर सी से. हमने क्या कहा, आप अपना पैसा किस लिए डाल, किस तरीके से डाल सकते हो, फॉरन करेंसी बेच के. ठीक है, अब द क्वेश्चन अराइजेस क्या फॉरन करेंसी बेचोगे कैसे. सो जैसे अगर हम यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करें, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ए का हमारे पास, ए के पास क्या है, वोस्ट्रो ऑफ बी. ठीक है, बी का क्या है, नोस्ट्रो इन ए. ठीक है, अब सपोज बी वाला पर्सन चाहता है कि वो इंडियन बैंक के अंदर क्या करा दे, डिपॉजिट करवाए. ठीक है, डिपॉजिट किस तरीके से करवा सकता है वो, हमने कहा कि अपनी फॉरेन करेंसी बेचो. तो फॉरेन करेंसी किस तरीके से बेच सकता है वो, क्या करे, जो उसका नोस्ट्रो अकाउंट है ना फॉरेन के अंदर, उसके अंदर डिपॉजिट करवा दे. बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट होगा उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करा दे, तो बैंक को यह पता लग जाएगा कि उसके नोस्ट्रो अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव हो चुका है. तो अगर उसके नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा रिसीव हो चुका है तो वो क्या कर सकता है, रुपीस के अंदर कन्वर्जन कर सकता है. ठीक है, इसको आपने क्या करना है, दो अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है. ये तो हुआ एक ट्रांजेक्शन की एक बैंक की दूसरे बैंक के अंदर है. अब बैंक्स के क्या होते हैं, खुद के भी नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं विद द अनदर बैंक्स. तो जैसे लाइक हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई. एसबीआई इज एन ऑथराइज्ड डीलर बैंक. ओके, एडी कैटेगरी 1 ब्रांच है. ओके, ए ने क्या करा, अपना एसबीआई के पास क्या खोला, वोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है,
अब एसबीआई का क्या होगा, लेट इट बी एसबीएम बैंक ले लेते हैं हम यूएसए के अंदर, इट कैन बी एनी बैंक। उसके उसके अंदर एसबीआई का क्या है, नो स्टॉक काउंटर, ठीक है। तो अगर बी वाला बंदा चाहता है कि वो एक ए वाला जो उसका अकाउंट है उसके अंदर पैसा जमा कराए, तो वो किस तरीके से कर सकता है, एसबीआई के नो स्टॉक अकाउंट में वो पैसा जमा करा देगा एंड उसके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम थोड़ा और कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, हम ये ले सकते हैं एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका क्या है एसबीआई जो कि हमारा एडी कैटेगरी वन ब्रांच है, उसके अंदर इसका क्या है वोस्ट्रो काउंट है, ठीक है। और एसबीआई का एसबीएम बैंक यूएसए के अंदर वो नोस्ट्रो काउंट हो गया, ठीक है, क्योंकि एसबीआई जब नोस्ट यूएसए में पैसा खुला रहा है तो वो नोस्ट्रो अकाउंट उसका बन जाएगा। जब हम यही इस अकाउंट को, ये वाले अकाउंट को एसबीएम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द एसबीआई। तो इस एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूँ, ए का क्या है एसबीआई के साथ वोस्ट्रो अकाउंट है एंड इन टर्न एसबीआई ने एसबीएम बैंक के साथ अपना क्या खुलवा रखा है, वोस्ट्रो अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ए चाहता है कि वो इस वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर क्रेडिट करे, ठीक है, तो उसको क्या करना है, फॉरन करेंसी बेचनी है, तो फॉरन करेंसी बेचने के लिए क्या कर सकता है, वो पैसा एसबीआई का जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट करा सकता है। जब एसबीआई को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि उसके वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव हो चुका है, तो वो क्या करेगा, ए के जो वोस्ट्रो अकाउंट है उसके अंदर क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। सो दिस वॉज द पॉइंट नंबर जी, कि किस तरीके से क्या करा जाएगा, क्रेडिट को अलाउ करा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अ कैप ऑफ 300 ऑन द नंबर ऑफ ड्रॉई ब्रांचेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ड्रॉई ब्रांचेस बेसिकली कौन, ड्रॉई ब्रांच वो होगी जिसके ऊपर चेक्स वगैरह ड्रोन करे जाएंगे, मतलब जो पेमेंट करने के लिए लायबल होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके ऊपर कैपिंग कितनी की गई विद रिगार्ड्स टू ड्रॉई ब्रांचेस, 300 की, ड्यू टू द प्रूडेंशियल मेजर। बट आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो 300 से ज्यादा भी ब्रांचेस डेजिग्नेट कर सकते हो, बट वो सारी की सारी ब्रांचेस किसके अंदर होनी चाहिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर होनी चाहिए, ताकि क्या करा जा सके, सारी की सारी फंड पोजीशन की कंटिन्यूस टाइम पे क्या करा जा सके, मॉनिटरिंग करी जा सके एंड किसी भी तरीके की नॉन कंप्लायंस को रोका जा सके। सो दिस वॉज रिगार्डिंग ऑपरेशन इन द वोस्ट्रो अकाउंट। किस वोस्ट्रो अकाउंट होगा क्या, वोस्ट्रो अकाउंट खोलने किस किस तरीके से जाएंगे, उनके अंदर क्या क्या क्रेडिट्स अलाउड होंगे, किस किस तरीके से डेबिट्स अलाउड होंगे, एंड अगर आपको वो फॉरेन करेंसी बेचनी है तो वो किस तरीके से आप बेच सकते हो, कि आप बैंक के नोस्ट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा दो, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने पैसा डिपॉजिट करा दिया, एंड हाँ जब हमारे नोस्ट अकाउंट में पैसा आ जाएगा हम आपके वोस्ट अकाउंट के अंदर पैसा भेज देंगे। इसको अगर और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, नोस्टो वोस्टो आप भूल दो, टर्मिनोलॉजी भूल जाते हैं हम, ठीक है। हम तीन बंदे पकड़ते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। बी क्या कह रहा है, लेट इट बी हमने ना पेमेंट करनी है डी को, अल्टीमेट जो पेमेंट है ना वो डी को जानी है। ए चाहता है कि वो डी को क्या करे, पेमेंट करे, ठीक है। अब ए डायरेक्टली डी को पेमेंट नहीं कर सकता ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, तो ए क्या कहता है, ए बी के पास जाता है टू पे, बी को कहता है भाई तू पे कर दे डी को। बी कह रहा है बट मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, या तो वो कि बी को डायरेक्ट पैसा जमा करा दे, बट वो बी को डायरेक्ट पैसा ना जमा करा के वो क्या कह रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं सी को। अब बी तू तू किससे ले लियो, बी सी उससे ले लियो, सी से। बेसिकली ए ने डी को पेमेंट करनी थी बट ए डायरेक्टली पे नहीं कर सकता, ए ने पे कर दिया सी को, सी से पैसे ले लिए बी ने और ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दी डी को। अब इस एग्जांपल को अगर हम यहां देखें तो इसमें ए ने पेमेंट करनी थी, यहां पे डी पर्सन ले लेते डी को थ्रू इट्स वोस्ट्रो अकाउंट, बट उस वो डायरेक्ट पेमेंट कर नहीं सकता क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व्ड है। तो उसने क्या करा, जो हमारी पार्टी नंबर पिछली एग्जांपल में बी थी और ये हमारी पार्टी नंबर होगी सी, तो उसने पैसे पे कर दिए सी को और सी को बोला कि भाई तू बी को पे कर दियो, एंड बी क्या कर देगा, डी को पेमेंट कर देगा। तो इसको अगर नोस्टो वोस्टो अकाउंट अगर आप छोड़ दो तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो, एंड फिर उसको आप टर्मिनोलॉजी के अंदर फिट करके काफी इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमिटेड ट्रांजेक्शन, की जो भी आपने अभी वोस्ट अकाउंट पढ़ा उसके अंदर कौन कौन से तरीके की ट्रांजेक्शन को क्या करा जाएगा, परमिट करा जाएगा। सो सबसे पहले ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स विद द एक्सचेंज हाउसेस आर प्राइमरी डिजाइन टू चैनल क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पर्सनल रेमिटेंसेस, की वही पर्सनल रेमिटेंसेस जो आपने करनी है क्रॉस बॉर्डर के केस में, उसके लिए आपको ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स करे जाते हैं। किसी भी तरीके की डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी चैरिटेबल हाउस इंस्टीट्यूशन इन एक्सचेंजेस हाउसेस के थ्रू रूट नहीं करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन परमिट करी गई हैं उनकी हम एक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट में क्या क्या आता है,
आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हो टू द क्रेडिट ऑफ द नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट मेंटेन्ड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस इन इंडियन रुपीस। कि अगर नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडियन रुपीस के अंदर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं उसके अंदर पैसा डालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वोस्ट अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नॉन रेजिडेंट इंडियंस अपनी फैमिलीज को पैसा भेजने के लिए भी इस चीज की यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड पोस्ट मास्टर फॉर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पैसा इसके थ्रू ट्रांसफर करा जा सकता है। ठीक है, पेमेंट्स इन फेवर ऑफ बैंकर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स, बेसिकली शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी वोस्ट अकाउंट्स की हेल्प ली जा सकती है। उसके साथ साथ पेमेंट्स टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है, गवर्नमेंट हाउसिंग और स्टेट डेवलपर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट इन इंडिया एंड इंडिविजुअल नेम सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन एप्लीकेबल देयर बाय द नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल फ्लैट्स लेना चाहते हैं तो उसके पैसा भी इस तरीके से करा जा सकता है। ट्यूशन फीस वगैरह या कॉलेजेस फीस पे करने के लिए भी आप नोस्ट अकाउंट यूज कर सकते हो। मेडिकल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल एक्सपेंसिस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, इस अकाउंट का यूज कर सकते हो। होटल्स के अंदर आप अगर आना चाहते हो तो होटल्स के अंदर की पेमेंट के लिए भी आप क्या कर सकते हो, वोस्ट अकाउंट की हेल्प कर सकते हो। ट्रेवल एजेंट्स को पैसा पे करना उसके लिए भी वोस्ट अकाउंट की मदद ली जा सकती है। उसके साथ साथ हमने जो लिमिट देखी थी ट्रांजेक्शन की लिमिट क्या है, 15 लाख पर ट्रांजेक्शन। फर्दर इट हैज बीन डिसाइडेड टू परमिट एडी बैंक्स टू रिकॉग्नाइज पेमेंट्स एक्सीडेड द परमिट लिमिट अंडर द आरडीए प्रोवाइडेड दैट दे आर सैटिस्फाइड द बोनाफाइड ऑफ द ट्रांजेक्शंस। कि लिमिट 15 लाख की लगा दी गई है बट उससे ज्यादा भी परमिट करी जा सकती है, बट उनको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ध्यान में रखनी है। एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है, एक तो ये चीज में ध्यान में रखनी है कि जो भी रेमिटेंसेज आ रही है वो FATF कंप्लायंट कंट्रीज में से आ रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है, जो भी कंट्रीज उनको कंप्लाई कर रही है उन कंट्रीज के द्वारा ही क्या करी जा रही है, रेमिटेंस करी जा रही है। जो भी KYC AML CFT गाइडलाइंस उनको हमने क्या करा है, प्रॉपरली फॉलो करा है। उसके बाद ऐसे एक्सचेंज हाउसेज जो टाइमली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, लार्ज वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं, उनको हमने क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। उसके बाद बैंक्स मस्ट कॉन्टैक्ट कोरेस्पोंडेंट दैट मेंटेन अकाउंट्स फॉर और फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस फॉर एक्सचेंज हाउसेज फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाई वैल्यू ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड द पार्टीज इन्वॉल्व। कि आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है एंड आप जो भी हाई वैल्यू ट्रेड हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है या जो भी ट्रांजेक्शन की डिटेल है आपने उनसे लेनी है। आपने जो भी उनसे रिकॉर्ड लिए हैं आपको अपने पास क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है ताकि उनकी क्या करी जा सके, इन केस उसके ऊपर स्क्रूटनी की नीड है तो स्क्रूटनी करी जा सके। स्क्रूटनी बेसिकली क्या होती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना या उनको स्टडी करना, एनालाइज करना। उसके बाद बैंक शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द प्रोसीड्स ऑफ द एक्सपोर्ट पेमेंट थ्रू आरडीए इज अप्लाइड टू द आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस अवेल्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम एनी बैंक और द कंसर्न्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन एंड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द एक्सपोर्टर। कि अगर आरडीए के थ्रू कोई भी एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आ रही है तो वो पहले, अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है तो वो प्रोसीड पहले किसके थ्रू एडजस्ट होनी चाहिए, टू द लोन एडजस्ट होनी चाहिए। एंड आपको एक डिक्लेरेशन फ्रॉम द एक्सपोर्टर लेनी है कि ये चीज हम क्या कर रहे हैं, आपकी परमिट कर रहे हैं कि जो आपका पैसा आया है वो आपके फाइनेंस के साथ एडजस्ट हो रहा है, आपके लोन के साथ एडजस्ट हो रहा है। अगर ये 5 चीजें आप इंश्योर करवा रहे हो, इन चीजों को भी कंसिडर कर रहे हो, तो 15 लाख से ज्यादा पर ट्रांजेक्शन की लिमिट से ज्यादा भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को अलाउ कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट्स वोस्ट अकाउंट किस लिए यूज कर सकते हो, आप यूटिलिटी सर्विसेज ले रहे हो इंडिया के अंदर लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीफोन एक्सेट्रा, उसकी पेमेंट्स के लिए भी वोस्ट अकाउंट्स को यूज करा जा सकता है। इंडिया के अंदर अगर आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हो उसके लिए भी आप वोस्ट अकाउंट्स यूज कर सकते हो। अगर आपने NBFCs वगैरह से लोन ले रखा है तो उनकी लोन की रीपेमेंट के लिए भी वोस्ट अकाउंट्स की हेल्प ली जा सकती है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर अगर आप पैसा डालना चाहते हो तो उसके लिए भी आप वोस्ट अकाउंट यूज कर सकते हो, बट उसकी कंडीशन क्या है कि जो आप पैसा डाल रहे हो वो डायरेक्टली किसके अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, डायरेक्टली फंड के अंदर जाना चाहिए, तो आप वोस्ट अकाउंट की मदद से ये भी कर सकते हो। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास निकल के आती है, दैट इज नो कैश डिसबर्समेंट ऑफ द रेमिटेंस रिसीव्ड इज अलाउड अंडर रूपी फॉरेन करेंसी ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स। इन एनी केस अगर आप रूपी या फॉरेन करेंसी ड्रॉइंग अरेंजमेंट करते हो उसके अंडर कोई भी रेमिटेंस आती है तो जो रेमिटेंस आपने एट द एंड किसी भी बेनिफिशियरी को देनी है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में अंदर ट्रांसफर करी जाएगी। किसी भी तरीके का कैश विड्रॉल अलाउड नहीं होगा, कि आप ये नहीं कह सकते कि आप कैश निकलवा के उन्हें पे कर दो, ये चीज परमिसेबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इज रिसीव्ड बाय द 80 कैटेगरी 1 ब्रांच टर्म्ड एज पार्टनर्स बैंक हैविंग आरडीए विद द नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसिंग्स मे बी क्रेडिट डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी हेल्ड विद द बैंक अदर देन द 80 कैटेगरी 1 ब्रांच थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज NEFT IMPS एटसेट्रा सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। बेसिकली सबसे पहले जो भी पर्सन है जिसको जो भी बैंक होगा जिसको इनवर्ड रेमिटेंसेस रिसीव हो रही है उसका नाम क्या हम देंगे, पार्टनर बैंक।
पार्टनर बैंक को भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा बैंक जिसका क्या है नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के साथ क्या है एग्रीमेंट है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर इन केस बेनिफिशियरी का अकाउंट एडी कैटेगरी वन ब्रांच के अलावा किसी और बैंक के साथ है तो हम डायरेक्टली उसके अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, बस उसके अंदर कुछ कंडीशंस, हमने कंडीशंस को देखना है। कंडीशंस क्या क्या है, जो भी रेसिपिएंट बैंक होगा उसको सिर्फ केवाईसी कंप्लाइंट बैंक अकाउंट्स के अंदर ही पैसा डिपॉजिट कराना है। रीजन बीइंग ये फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड है, तो फॉरेन एक्सचेंज जब इन्वॉल्व्ड होता है तो हमने केवाईसी नॉर्म्स का ध्यान रखना है, तो पैसा भी सिर्फ उन्हीं अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा जो केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट्स हैं। उसके बाद फॉर केवाईसी नॉन कंप्लाइंट अकाउंट द रेसिपिएंट बैंक शैल कैरी आउट केवाईसी और सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ऑफ द रेसिपिएंट बिफोर द अमाउंट इज क्रेडिट टू अलाउड और विड्रॉन। बेसिकली केवाईसी है तो आप उसके अकाउंट में डाल दो, केवाईसी नहीं है तो बेसिकली केवाईसी नॉर्म्स पहले करो फिर उसके अकाउंट में पैसा आपको डालना है। उसके बाद जो भी पार्टनर बैंक होगा उसको इंश्योर कराना है दैट द एक्यूरेट ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, कि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ये इंश्योर कराओ कि किस बंदे ने पैसा भेजा है, ओरिजिनेटर कौन था, किस बंदे के अकाउंट में जा रहेगा, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद पार्टनर बैंक शुड एट एन एप्रोप्रिएट अलर्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इंडिकेटेड दैट दिस इज अ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस शुड नॉट बी क्रेडिट टू अ नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट, कि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व्ड है नॉन केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट के अंदर पैसा नहीं डाला जाएगा। उसके साथ साथ हमें यह इंश्योर कराना है कि जो भी केवाईसी एएमएल और सीएफटी गाइडलाइंस इशू करी गई है बाय द आरबीआई बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस वो भी क्या करी गई हो, पूरी की पूरी कंप्लाई करी गई हो। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेने और अपने पास मेंटेन करके रखने ताकि इन केस उनकी स्क्रूटी एनालिसिस की जरूरत है उसको परफॉर्म करा जा सके। उसके बाद बैंक्स क्या कर सकते हैं, इन केस उन्हें लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड अगर वो चाहें तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को FIU फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं, वो रिपोर्ट भेज सकते हैं कि आपने ये ट्रांजेक्शन करी है और कि एक हमारे बैंक के अंदर ये ट्रांजेक्शन हुई है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है ये सस्पिशियस है, ठीक है। सो इसके अंदर हमने क्या, इस पॉइंट में हमने क्या क्या चीजें कवर करी, परमिटेड ट्रांजेक्शन में सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए यूज हो सकता है, डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने कुछ परमिसेबल ट्रांजेक्शन देखी, परमिसेबल ट्रांजेक्शन में भी हमने कुछ सप्लीमेंट देखी कि 15 लाख की लिमिट होती है, उससे ज्यादा भी अलाउ करा जा सकता है अगर आप ये चीजें ध्यान में रखते हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज और देखी कि अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी वन के अलावा किसी और बैंक में है तो डायरेक्ट बैंक के अंदर भी क्या करी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू ट्रांसफर करी जा सकती है, बट उसके लिए कुछ चीजें हमने ध्यान में रखी है, हम उसकी 6 कंडीशंस देखी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट प्रोसीजर्स एंड कोलेटरल कवर। बेसिकली जो आपने रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट पढ़ा कि हम नोस्टो वोस्टो अकाउंट्स खोलेंगे उसके थ्रू क्या करेंगे ट्रांजेक्शन को परमिट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं कि किस किस तरीके से वो करी जा सकती है, तो उसके अंदर हमारे पास जो 3 मेजर कैटेगरीज आती हैं दैट आर डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी जिसको DDA बोलेंगे, नॉन डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी जिसको नॉन DDA बोलेंगे, एंड थर्ड वन विद स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर्स, कि इन 3 मेथड्स के थ्रू क्या करा जा सकता है नोस्टो वोस्टो अकाउंट्स खोले जा सकते हैं एंड आपके ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करवाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो हम प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी प्रोसीजर। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो भी एक्सचेंज हाउसेस होगा उसको क्या करना है, जो भी ड्रॉई बैंक है, ड्रॉई बैंक मतलब जैसे जो भी उसका ऑथराइज डीलर बैंक होगा उसके नाम पे कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर इंटरनेशनल बैंक में एक अकाउंट खुलाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप इंटरनेशनली बैंक अकाउंट में भी खुला सकते हो या विद द ड्रॉई बैंक इटसेल्फ एट द ब्रांच वेयर द कोरिस्पॉन्डिंग रूपी वोस्टो अकाउंट इज मेंटेन्ड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। बेसिकली जो भी एक्सचेंज हाउसेस होंगे वो क्या करेंगे, एक अकाउंट खुलवाएंगे जिस अकाउंट का नाम दिया जाएगा DDA अकाउंट। DDA अकाउंट किसके नाम पे होगा, ड्रॉई बैंक के नाम पे होगा, चाहे वो इंटरनेशनली भी हो सकता है या बैंक की ही किसी ब्रांच के अंदर भी हो सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द RBI। इस अकाउंट को नाम दिया जाएगा DDA अकाउंट, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी अकाउंट। इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझना चाहें, सपोज एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका बैंक है SBI जो उसका ऑथराइज डीलर है, वो क्या कर सकता है फॉरेन बैंक के अंदर जाएगा और वहां अपना एक अकाउंट खुलाएगा DDA अकाउंट जो होगा SBI के नाम पे, कि SBI का DDA अकाउंट होगा वो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन आपने रेमिटेंस करवानी है, जैसे हमने ऊपर देखा कि आपने पैसा डिपॉजिट कराना है, तो आप क्या करोगे, आप अपने DDA अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट कराओगे एंड SBI के पास जो आपका वोस्टो अकाउंट होगा वो क्रेडिट फिर इसके अंदर दिया जाएगा, क्योंकि अकाउंट किसका है, SBI का ही अकाउंट है, SBI के नाम पे ही खोला गया अकाउंट है,
ठीक है। तो इसको अगर आप इसमें बेसिकली इसको क्या कहा गया, डीडी अकाउंट क्यों कहा जाता है, इसके अंदर आपको एक डिपॉजिटरी एजेंसी को डेजिग्नेट कर दिया गया कि आपको जो कि जो भी सारा पैसा है वो इस बैंक के साथ डिपॉजिट कराना है। ये फॉरेन बैंक भी हो सकता है, कोई और ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको डेजिग्नेट कर दी कि आपको सारा का सारा पैसा इसके अंदर ट्रांसफर कराना है, इसलिए इसको कहा जाता है डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी प्रोसीजर, कि आपको डिपॉजिटरी एजेंसी डेजिग्नेट करवा दी गई है, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग एक्सचेंज क्या करेंगे, जो भी अपना फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट होंगे वो इन्हीं डीडी अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराएंगे, मतलब जितना वो चाहते हैं कि विथड्रॉ करवा सके उसका इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी उन्हें क्या कर देना है, अपने डीडी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा देना है, ठीक है। जब वो अपनी डीडी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा देंगे तो जो भी ड्रॉइंग बैंक होगा वो उसको इन्फॉर्मेशन देके कि हमने टोटल इतने नंबर के ड्राफ्ट्स और इतनी वैल्यू के ड्राफ्ट्स क्या करे हैं, डीडी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कराए हैं, एंड डीडी अकाउंट से आप क्या कर लो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है हमारे जो रुपी अकाउंट हमने मेंटेन करके रखा है उसके अंदर ट्रांसफर करो, ठीक है। उसके बाद द फंड्स विल बी हेल्ड इन द डीडी अकाउंट अंडर लियन ऑफ द ड्रॉइंग बैंक, की डीडी अकाउंट के अंदर जो भी पैसा रखा जाएगा उसके ऊपर ड्रो भी ड्रॉइंग बैंक होगा उसका होल्ड होगा, क्योंकि उसके नाम पे अकाउंट खोले गए हैं। इस अकाउंट्स में से जो डेबिट्स अलाउड होंगे, मतलब किस किस तरीके से पैसा निकाला जा सकता है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर टू द नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द ड्रॉइंग बैंक वेयर द डीडी अकाउंट इज मेंटेन्ड विद विद द बैंक अदर देन द ड्रॉइंग बैंक, और फॉर क्रेडिट रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज हाउस बाय सेलिंग परमिटेड फॉरेन करेंसी टू द ड्रॉइंग बैंक वेयर द डीडी इज मेंटेन्ड विद द ड्रॉइंग बैंक, बेसिकली, ठीक है। अब सपोज जो एसबीआई है, एसबीआई का भी अपना क्या होगा, एक नोस्ट्रो अकाउंट होगा, तो जो इस ए वाला बंदा था उसने क्या करा, फॉरेन करेंसी के अंदर डिपॉजिट, फॉरेन बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया इन द अकाउंट एस बी एस डीडी अकाउंट, ठीक है। अब डीडी अकाउंट में से आपने पैसा निकलवाना है तभी तो आप उस जो पर्सन ए है उसके वोस्ट अकाउंट में डिपॉजिट दोगे, तो वो पैसा निकालना किस किस तरीके से जा सकता है, या तो आप डायरेक्ट इसके वोस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, जो भी अगर तो इसका अकाउंट क्या है किसी और बैंक के साथ है, इन केस अगर इनका बैंक सेम अकाउंट में साथ है, सेम ही अकाउंट में है, तो क्या करा जा सकता है, इस फॉरेन करेंसी को बेचा जा सकता है एंड पैसा क्या करा जा सकता है, डायरेक्ट ड्रॉइंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा जा सकता है। उसके बाद जो इस पे फ्लोट पीरियड होगा, मतलब पैसा कितने दिन डीडी अकाउंट के अंदर रह सकता है, वो बैंक्स अपने बेसिस पर डिसाइड करेंगे, बट वो मैक्सिमम कितनी लिमिट तक डिसाइड कर सकते हैं, 5 दिन तक डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इस इन अकाउंट डीडी अकाउंट के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा एंड वो ड्रॉइंग बैंक के नोस्ट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो आपका वोस्ट अकाउंट होगा उसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट जो आपने डीडी अकाउंट मेंटेन करा है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जो भी ड्रॉइंग बैंक होगा उसकी क्या जिम्मेवारी होगी कि जिस भी कंट्री के अंदर डीडी अकाउंट खोला गया कि वो वहां के ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा, ताकि क्या करा जा सके, डीडीए के अंदर होने वाली जो ट्रांजेक्शन या ड्रॉइंग्स है उसको इंस्पेक्ट करा जा सके, ठीक है। जो भी ऑडिटर होगा उसकी क्या जिम्मेवारी होगी, वो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार या ट्वाइस क्या करे, अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करे, उनकी रिपोर्ट बनाए एंड रिपोर्ट को क्या करे, बैंक को सबमिट करवा दे, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर बैंक ये नहीं चाहते कि वो किसी इंस्पेक्टर या किसी ऑडिटर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करे, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिशियल को अपॉइंट कर सकते हैं जो विच विल एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू द फॉरेन टू द एक्सचेंज हाउसेस एंड जो भी फंक्शंस ऑडिटर के थे वो सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो जो ऑडिटर और रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या करेंगे, फाइंडिंग्स अपनी ढूंढेंगे एंड इन केस कोई डिफॉल्ट होता है उसको रिपोर्ट करा जाएगा एंड डिफॉल्ट के केस में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके उनको ध्यान में रखते हुए जो भी एजेंसी एग्रीमेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन केस ये एग्रीमेंट टर्मिनेट होता है, इस टर्मिनेशन की जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करनी है। उसके साथ साथ सो लॉन्ग एज द एक्सचेंज हाउस कंप्लाइज विद द गाइडलाइंस द ड्रॉइंग बैंक विल इंश्योर दैट द ड्राफ्ट इशूड ऑनर्ड एट द ब्रांच म्यूचुअली एग्री टू, कि जब तक कंडीशंस का कंप्लाई हो रहा है तब तक जो भी ड्राफ्ट दिए जाएंगे उनको क्या कर दी जाएगी, उनकी पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। जो हमने अभी बात करी कि ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर्स बेसिकली अपॉइंट कौन कर रहा है, ड्रॉइंग बैंक, तो उनकी रेम्यूनेशन भी कौन पे करेगा, ड्रॉइंग बैंक ही पे करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट ड्रोन बाय द एक्सचेंज हाउसेस शुड हैव अ वैलिडिटी ऑफ ओनली 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कि आपने जो ड्राफ्ट इशू करे हैं उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है, 3 मंथ्स के लिए हो सकती है। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को ये इंश्योर कराना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एक्सचेंज हाउसेस के रेगुलरली ऑडिटेड बाय द ऑडिटर्स, की जिनका भी हमारे पास वोस्ट्रो अकाउंट है वो अपनी अकाउंट्स क्या कराना है, रेगुलरली बेसिस के ऊपर ऑडिट करवा रहे हैं। एडी कैटेगरी 1 ब्रांच क्या कर सकते हैं, उन पे उनसे टाइमली बेसिस पे उनकी क्रेडिट रिपोर्ट, ऑडिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, ताकि उनके साथ जो भी एग्रीमेंट है उसको आगे प्रोसीड करना है नहीं करना, रखना है नहीं रखना, उसके ऊपर क्या लिया जा सके, डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। इन केस उन्हें कोई लाइसेंस की जरूरत है तो जो भी उन्होंने लाइसेंस लिया उसकी कॉपी ब्रांच को अपने पास भी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद
एज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सचेंज हाउसेज कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, बेसिकली हम जाके तो बुक्स उनकी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे टाइमली या पीरियोडिकली बेसिस पे उनके पास क्या रखेंगे, उनकी हमने बेसिकली क्या करना है, उनकी विजिट करनी है ताकि उनके फंक्शंस को हम क्या कर सके प्रॉपरली चेक कर सके। जो भी इंस्पेक्शन करी जाएगी इट शुड बी डन एट अ सफिशियंट सीनियर लेवल, मतलब सीनियर लेवल ऑफिसर वहां जाके क्या करें इंस्पेक्शन करें, ठीक है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज विद रिगार्ड टू द कोलेट्रल कवर, कि जो भी डीडी अकाउंट आपने मेंटेन करना है उसके लिए आपने कुछ कोलेट्रल अपने पास रखना है। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार डीडीए वाली प्रोसीजर को बिल्कुल शुरू से दोबारा समझ लेते हैं। डीडीए में क्या हुआ, आपको एक डिपॉजिटरी एजेंसी डेजिग्नेट कर दी जाएगी कि जो भी आपको पैसा है आपको इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना, ठीक है। वो आप इंटरनेशनली बैंक के भी खुला सकते हो, जो ट्रोई बैंक है उसकी किसी और ब्रांच के साथ भी खुला सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सचेंज हाउसेस जो फॉरेन इंडियन रुपीस के अंदर पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, डीडी अकाउंट के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर उतना पैसा जमा करवा देंगे और वो डीडी अकाउंट का पैसा क्या कर दिया जाएगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। जब वो पैसा डिपॉजिट कराएंगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, अपने ड्रॉई बैंक को देंगे। जो भी इस अकाउंट के अंदर पैसा रखा जाएगा वो अंडर द लियन ऑफ द ड्रॉई बैंक रखा जाएगा। इसके अंदर से पैसा निकाल किस किस तरीके से सकते हो, या तो नोस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करके या फॉरेन करेंसी को बेच के आपके रुपी पोस्ट अकाउंट के अंदर पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो फ्लोट पीरियड होगा वो आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो, बट वो मैक्सिमम 5 डेज तक का ही हो सकता है। इस डीडी अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पोस्ट अकाउंट के ऊपर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ड्रॉई बैंक की जिम्मेवारी होगी कि वो क्या करे, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर जिसमें भी जो भी फॉरेन कंट्री है वहां पॉइंट करे, ताकि जो भी डीडीए के अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन है उनको मॉनिटर करा जा सके। अगर वो नहीं चाहते ऑडिटर्स को पॉइंट करना तो वो ऑफिशियल को भी पॉइंट कर सकते हैं जो कि एक्ट करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक। तो वो क्या करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करेंगे, या इनकेस कोई डिफॉल्ट होता है तो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन एजेंसी अग्रीमेंट को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब तक एक्सचेंज हाउसेस क्या करेंगे, अपनी गाइडलाइंस को कंप्लाई करेंगे तब तक ड्राफ्ट की क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। जो भी ऑडिटर्स होंगे उनकी नॉमिनेशन की पे करने की जिम्मेवारी किसकी होगी, ड्रॉई बैंक की ही होगी। जो भी ड्रॉप ड्रॉन करे जाएंगे उनकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 3 महीने तक की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो एटी कैटेगरी 1 ब्रांच होंगे उन्हें खुद को ये सेटिस्फाई कराना है कि जो भी उनकी ऑडिटर्स जो भी एक्सचेंज हाउसेज है उनकी बुक्स क्या हो रही है, टाइमली बेसिस पे ऑडिट हो रही है, एंड अगर वो चाहते हैं इन्फॉर्मेशन पर्पस के बेसिस पे उनकी क्रेडिट रिपोर्ट, ऑडिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा उनसे मांग सकते हैं। अगर उन एक्सचेंज हाउसेज को किसी भी तरीके के लाइसेंस देने की जरूरत है तो बैंक्स को क्या करना है, अपने पास वो सारे के सारे लाइसेंस खुद मेंटेन करके रखने हैं। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, बैंक्स के जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स होंगे उन्हें पीरियोडिकली बेसिस पर एक्सचेंज हाउसेस की इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज कोलेट्रल कवर फॉर डीडीए। कोलेट्रल कवर ऑलमोस्ट तीनों केसेस के अंदर सेम ही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट यहां हम चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सचेंज हाउसेस को ना दो कैटेगरीज के अंदर बांटना है। दो कैटेगरीज कौन सी, ऐसे एक्सचेंज हाउसेस जो क्या कर चुके हैं 3 साल तक के ऑपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, एंड ऐसे हाउसेज जो 3 साल से जिनके ऑपरेशन 3 साल से कम पूरे हुए हैं, ठीक है। एक्सचेंज हाउसेस ऑपरेटेड विद बैंक, दो कैटेगरीज, मोर देन 3 इयर्स एंड लेस देन 3 इयर्स, ठीक है। अगर तो आपके ऑपरेशन 3 साल से कम हुए हैं तो आपको क्या लेनी है, या तो कैश डिपॉजिट या गारंटी इक्विवेलेंट टू द 7 डेज प्रोजेक्टेड ड्रॉइंग्स आप ले किसी फॉरेन बैंक से ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका बैंक है, अगर आपके ऑपरेशन बैंक के साथ 3 साल से ज्यादा के लिए पूरे हो चुके हैं, उस केस में किसी भी तरीके की कोलेट्रल प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है। बट इन केस बैंक चाहें तो वो खुद को सिक्योर करने के लिए कोलेट्रल कवर ले सकते हैं, एंड इन केस अगर आप अपॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो कोलेट्रल लेना है वो कैश डिपॉजिट प्लस कैश डिपॉजिट या गारंटी फ्रॉम अ बैंक इक्विवेलेंट टू द 15 डेज ऑफ द एस्टिमेटेड ड्रॉइंग्स, आप उनसे क्या लेना है, कोलेट्रल लेना है, ठीक है। बेसिकली कैश मोर देन 3 इयर्स में क्या है, नो प्रिस्क्राइब, लेस देन 3 इयर्स में आपको कैश और गारंटी इक्विवेलेंट टू 7 डेज ड्रॉइंग, ठीक है। अगर आप चाहें वॉलंटरली बेसिस पे ले सकते हैं,
इन दोनों केसेस के अंदर ही अगर ऑडिटर्स नॉट अपॉइंटेड, तो जो आपके ऊपर जो जो आपको गारंटी लेनी है, कैश डिपॉजिट लेना है, दैट विल बी कैश और गारंटी। इक्विवेलेंट टू 15 days ड्रॉइंग, ठीक है। तो बेसिकली एक्सचेंज हाउसेस जो बैंक के साथ क्या कर रहे हैं, मोर देन 3 ईयर से ज्यादा के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोलेटरल प्रेस्क्राइब नहीं करा गया, बट वॉलंटरी बेसिस पे क्या किया जा सकता है, कोलेटरल लिया जा सकता है। ऐसे बैंक जो बैंक के साथ 3 साल से कम के लिए वर्क कर रहे हैं, उनसे आपने कैश या गारंटी लेनी है, इक्विवेलेंट होता है 7 days ड्रॉइंग। एंड इन दोनों केसेस के अंदर आप अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैश या गारंटी लेनी है, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द 15 days ड्रॉइंग अमाउंट, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपने ये डिपॉजिट कराया है, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा एज पर मार्केट रेट दिया जाएगा, एंड एक्सचेंज हाउसेस को वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटी शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड, कि आपने जो भी अमाउंट है और अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट और गारंटी उसको टाइमली बेसिस पे रिव्यू करना है, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि प्रॉपरली एक कोलेटरल कवर हमने इंश्योर करवाया हुआ है, प्रॉपर कोलेटरल कवर उनसे हमने लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल द प्रोसीजर रिगार्डिंग द डीडीए प्रोसीजर, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी प्रोसीजर। अब हम देख रहे हैं नॉन डीडीए प्रोसीजर। नॉन डीडीए प्रोसीजर में आपको किसी भी तरीके की डिपॉजिटरी जो एजेंसी है वो डेजिग्नेट नहीं करी गई है। तो इसके अल्टरनेटिव में क्या है, जब आप ना डीडीए अकाउंट खुलाओगे, ना आपको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हो, नॉन डीडीए प्रोसीजर्स के थ्रू अपने बोस्टर अकाउंट खुलवा सकते हो। नॉन डीडीए प्रोसीजर में क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सचेंज हाउस होंगे वो बोस्टर अकाउंट में पैसा किस तरीके से डलवा सकेंगे, वो एडी कैटेगरी 1 ब्रांच से रुपीस खरीदेंगे, उन्हें यूएसडी देंगे इन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट्स, एंड उनका पैसा बोस्टर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड बैंक्स को क्या करना है, टाइमली बेस सॉरी जो एक्सचेंजेस हाउसेस होंगे उनको टाइमली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उनको स्टेटमेंट देनी है अबाउट द फंडिंग एंड द ड्रॉइंग्स इन देयर अकाउंट टू द एडी कैटेगरी 1 ब्रांच, ठीक है। डीडीए प्रोसीजर हमने समझा। नॉन डीडीए में क्या होगा, ना आपको डीडीए अकाउंट खोलने की जरूरत, ना आपको ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत है। तो उसके अंदर आप पैसा कैसे डालोगे, आप बैंक से क्या करोगे, रुपीस खरीदोगे, उन्हें यूएसडी दोगे, ठीक है। एंड उनके आप क्या करोगे, वीकली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग करोगे। तो जैसे हमने ऊपर अभी कोलेटरल कवर समझा था, इसके अंदर भी काइंड ऑफ सेम कोलेटरल कवर आता है। सबसे पहले तो वही दो कैटेगरी, 3 साल से ऑपरेशन कम, 3 साल से ज्यादा। 3 साल से अगर ऑपरेशन कम है तो 7 days प्रोजेक्टेड ड्रॉइंग्स के इक्विवेलेंट अमाउंट के आपको कैश डिपॉजिट या गारंटी आपने लेनी है, ठीक है। अगर आपके 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपको किसी भी तरीके के कोलेटरल लेने की प्रेस्क्राइब नहीं करा गया, मतलब आप लो तो भी अच्छा, नो लो तो भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद नॉन डीडीए एग्रीमेंट के अंदर कोलेटरल कवर इन कैश डिपॉजिट और इन एनी फॉरेन करेंसी और गारंटी फ्रॉम अ बैंक ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट इक्विवेलेंट टू टाइम्स एक्सचेंज प्रोजेक्टेड हाउसेस मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सचेंज हाउसेस, ठीक है। इन केस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक साइड टू डिस्प्यूट इज ऑन स्टाफ फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, तो उस केस में आपको क्या लेना है, 15 दिन से ज्यादा की लेना है, 15 दिन से ज्यादा का गारंटी लेनी है, ठीक है। तो ये हमने देखा था विद रिगार्ड टू द डीडीए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन डीडीए के अंदर कोलेटरल कवर, इसको भी हम वैसे ही 2 कैटेगरीज में बांटेंगे, मोर देन 3 इयर्स और ये होगा लेस देन 3 इयर्स। ये बेसिकली क्या है, ऑपरेशंस विद द बैंक, ठीक है। मोर देन 3 इयर्स है, नो प्रिस्क्रिप्शन एज सच, बट आप चाहो तो इसके अंदर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कैश और गारंटी इक्विवेलेंट टू 10 days ड्रॉइंग, ठीक है। अगर आपके ऑपरेशन लेस देन 3 इयर्स है तो आपको क्या लेनी है, कैश या गारंटी, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 7 days ड्रॉइंग, ठीक है। ये ऑलमोस्ट क्या हमने देखा, ये ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट ऊपर वाले पॉइंट से मिलता जुलता है, बट इसके अंदर क्या है कि अगर आपने, हमने कहा था वॉलंटरी आप चाहो तो ले सकते हो, बट इसके अंदर वॉलंटरी की एक लिमिट डिफाइन कर दी गई, लिमिट का डिफाइन करेगी कैश गारंटी इक्विवेलेंट टू द 10 days ड्रॉइंग, ठीक है।
जैसे ऊपर ऊपर हमने देखा था कि अगर आप अपॉइंट ऑडिटर्स नहीं अपॉइंट कर पा रहे हो तो आपको कैश या गारंटी इक्विवेलेंट टू 15 डेज ड्रॉइंग लेनी है। अब बट नॉन डीडीए प्रोसीजर के अंदर तो ऑडिटर्स अपॉइंट ही नहीं करने होते, बट आपको क्या करने होते हैं, बुक्स की इंस्पेक्शन करनी होती है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे अगर ऊपर ऑडिटर्स नहीं अपॉइंट कर पा रहे थे, अगर हम यहाँ पे बुक्स इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो गारंटी या कैश लेना है वो कितना लेना है, इक्विवेलेंट टू 15 डेज ड्रॉइंग, ठीक है। सो दिस वाज़ अ सेकंड प्रोसीजर नॉन डीडीए। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर। स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर में क्या आता है, इसमें एक्सचेंज हाउसेस क्या करेंगे, आपको पेमेंट इंस्ट्रक्शंस देंगे थ्रू द स्विफ्ट और इंटरनेट कि आप इस बंदे को पेमेंट कर दो, एंड स्पीडली बेसिस पे पेमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद द एक्सचेंज हाउसेस फंड द रूपी अकाउंट थ्रू द नोस्टो अकाउंट ऑफ द आईटी कैटेगरी वन ब्रांच वैल्यू इन एडवांस, कि आपको अपने नोस्टो अकाउंट के अंदर पैसा तो डालना ही पड़ेगा अगर आप इसको रेमिटेंस करना चाहते हो। तो रेमिटेंस कैसे करी जाएगी, जो भी हमने नोस्टो अकाउंट वाला प्रोसीजर समझा था कि जो भी बैंक का नोस्टो अकाउंट होगा उसके अंदर आपको पैसे डिपोजिट करना है, सिमिलरली इस केस में भी आप बैंक के नोस्टो अकाउंट के अंदर पैसा डिपोजिट करोगे इन एडवांस। तो जब पैसा एडवांस में डिपॉजिट होगा तब भी क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। ब्रांच के द्वारा तब तक पेमेंट नहीं करी जाएगी जब तक ये इंश्योर ना हो जाए कि देर आर क्लियर फंड्स, कि फंड्स अवेलेबल हैं, उसमें से ही आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। उसके बाद वेयर द फैसिलिटी ऑफ स्पीड रेमिटेंस इज एक्सटेंडेड टू द एक्जिस्टिंग रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट, द एक्सचेंज हाउसेस विल शैल ओपन अ सेपरेट रूपी अकाउंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई एंड नो पेमेंट इंस्ट्रक्शन शैल बी एग्जीक्यूटेड अंडर अनलेस देर आर क्लियरली फंड अवेलेबल इन दिस अकाउंट वेयर द ऑपरेशन इन द एक्जिस्टिंग रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट अंडर डीडीए नॉन डीडीए प्रोसीजर सैटिस्फैक्टरी। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर के अंदर अकाउंट खोले जाएंगे वो दो तरीके से खोले जा सकते हैं, हो सकते हैं वो बिल्कुल नए तरीके से खोले जाए, नए सिरे से खोले जाए। सेकंड, आपके एक्जिस्टिंग अकाउंट थे डीडीए नॉन डीडीए प्रोसीजर के अंदर, उसके अंदर आप उनके साथ ही आप क्या कर रहे हो, स्पीड रेमिटेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर तो आप एक्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट अगर जो एक्जिस्टिंग अकाउंट है उनकी जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो बिना अप्रूवल के भी आप स्पीड रेमिटेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कोलेटरल कवर पढ़ा था, स्पीड रेमिटेंस में भी कोलेटरल कवर आता है, बट इनमें कोलेटरल कवर क्या है, सिंपल है कि बैंक्स आर फ्री टू डिटरमाइन कि आपको कितना कोलेटरल लेना, ठीक है। बैंक्स अपने टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड मंगाएंगे, उनपे एनालाइज करेंगे और उनके बेसिस पे क्या करेंगे, अपनी एक खुद की पॉलिसी बनाएंगे कि हमें इनसे क्या लेना है, इतना कैटेगरी इतना अमाउंट जो है वो कोलेटरल की तरह लेना है। जो भी डिपॉजिट रखे जाएंगे इन द नेम ऑफ एडी कैटेगरी ब्रांच उसके ऊपर मार्केट रेट के हिसाब से उनको क्या कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरन करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट। जिस तरीके से रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स अलाउड थे उस तरीके से फॉरन ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स भी अलाउड है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आरबी के अप्रूवल चाहिए। रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स में क्या था, जो अकाउंट्स मेंटेन करे जा रहे थे वो रुपीज के अंदर मेंटेन करे जा रहे थे ताकि जो पेमेंट है वो रुपीज के अंदर फैसिलिटेट करवाई जा सके। फॉरन ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स के अंदर जो भी अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं फॉरन करेंसी के अंदर मेंटेन करे जाते हैं ताकि फॉरन करेंसी के अंदर पेमेंट करी जा सके। तो फॉरन करेंसी जो अरेंजमेंट्स हैं वो सिर्फ ए और बी कैटेगरी ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफ द एडी कैटेगरी वन ब्रांच को ही अलाउ करा जाएगा, कैटेगरी सी ब्रांच इस तरीके के अरेंजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉरन करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट शैल बी कैम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रुपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट, कि दोनों आपस में कमाई नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको एक रूपी वोस्ट अकाउंट तो आपने मेंटेन करा ही करा है, आपको अलग से फॉरन करेंसी वोस्ट अकाउंट भी अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और इन अकाउंट की ड्राफ्ट के अंदर जो पेमेंट करी जाएगी, पेमेंट ऑफ सच ड्राफ्ट शैल बी मेड बाय द डेबिट टू दिस अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एक्सचेंज हाउसेस नॉट टू द नोस्ट अकाउंट ऑफ द एडी कैटेगरी वन ब्रांच, कि जो भी ड्राफ्ट किए गए उसके अंदर उसके अगर आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट किस तरीके से होगी कि जो भी एक्सचेंज हाउस का अकाउंट है उसके अंदर आपने डेबिट करना है, नोस्ट अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद द एग्रीगेंट अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट ड्रॉन इन फॉरन करेंसी बाय द एक्सचेंज हाउस ऑन द डे शुड बी क्रेडिटेड टू द नोस्ट अकाउंट ऑफ द ड्रॉइंग बैंक एट लीस्ट बाय द क्लोज ऑफ द बिजनेस। द सेम प्रोसीजर है जो हमने रूपी अकाउंट में पढ़ा था, द ओनली डिफरेंस इज कि पैसा कि पहले पैसा रुपीज में पे होना था, अब फॉरन करेंसी के अंदर पे होगा, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको उस तरीके से ही अगर आपको पैसा डिपोजिट कराना है तो आप नोस्ट अकाउंट में डिपोजिट करो बैंक के, एंड आपको फोस्टो फॉरन करेंसी अकाउंट के अंदर आपको क्रेडिट मिल जाने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप सी पॉइंट को उससे ही रिलेट करो तो वो क्या होगा कि आपने ये नहीं, आपने जो बैंक का अकाउंट है, बैंक का जो फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंट है उसमें से पेमेंट करनी है। आप ये नहीं करना कि आप अपने ही नोस्टो अकाउंट के अंदर से पेमेंट कर दो, क्योंकि जो बंदा था जो भी एक्सचेंज हाउसिंग था उसने क्या करा, आपके नोस्टो बैंक के नोस्टो अकाउंट में पैसा डिपोजिट कराया, पैसा पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में होनी है, तो बैंक ये ना करते कि अपने ही नोस्टो अकाउंट में से पेमेंट करते, वो चीज अलाउड नहीं है। आप नोस्टो अकाउंट में पेमेंट लो, उसका क्रेडिट पर्सन के वोस्टो फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर दो, एंड उस अकाउंट से पेमेंट करो। ये चीज हमें पॉइंट नंबर 3 ने बताई है।
उसके बाद द अकाउंट मेंटेनिंग ब्रांच ऑफ द ड्रॉई एडी कैटेगरी वन ब्रांच शुड क्रेडिट फॉरेन करेंसी वोस्टो अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज हाउस इन द रिसीप्ट ऑफ कंफर्मेशन, कि जब नोस्टो अकाउंट के अंदर कंफर्मेशन आ गई कि पैसा आ गया तभी क्या करो आप उसके वोस्टो अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करा दो। ठीक है, बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के अंदर हमेशा फंड रहना चाहिए, हमेशा फंडेड होने चाहिए, मतलब वो जीरो बैलेंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद इफ द एग्रीमेंट इज अंडर नॉन डीडीए प्रोसीजर, अगर नॉन डीडीए प्रोसीजर है कि डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी एजेंसी नहीं है, तो जो भी जिस भी ब्रांच के साथ अकाउंट मेंटेन करा जा रहा है उसको क्या करना है, तो एक्सचेंज हाउसेस को उन ब्रांचेस को बताना है कि आपने कितने ड्राफ्ट किए, कितने फॉरेन करेंसी में थे बिफोर और बिफोर क्लोज ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग डे, कि दिन एंड होने से पहले पहले आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देनी है। अगर तो डीडीए प्रोसीजर ही है तो आप क्या कर सकते हो, बाई वीकली बेसिस के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि नॉन डीडीए प्रोसीजर में क्या होगा, आपकी एक डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ उसी के थ्रू रूट होने वाली है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, खुद ब खुद पास ऑन हो जाएगी। बट नॉन डीडीए प्रोसीजर में ऐसा कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं होता, तो उसके अंदर क्या करना होगा, एक्सचेंज हाउसेस को खुद ही अपने बेसिस पे सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो देनी पड़ेंगी। उसके बाद इसके अंदर भी कोलेटरल कवर आता है, कोलेटरल कवर में क्या है, एक्सचेंज हाउसेस को डिपॉजिट रखना है नॉट लेस देन 50,000, मतलब $50,000 का आपको क्या रखना है, कोलेटरल बैंक को देके रखना है। उसके बाद एडिक्वेसी ऑफ द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट कैप्ट विद द बैंक शुड बी रिव्यूड एवरी 6 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस अंडर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, बेसिकली वही मिनिमम डिपॉजिट जो होगा 50,000 को होगा, बैंक्स अपने बेसिस पर डिसाइड करें एनालाइज करके कि हमें ज्यादा डिपॉजिट रखने की जरूरत है तो ज्यादा डिपॉजिट उनसे लिया जा सकता है। ठीक है, अप्रोप्रिएट रेट के बेस पे भी इस डिपॉजिट के ऊपर भी क्या कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। उसके साथ साथ एडी कैटेगरी वन ब्रांचेस आर अलाउड टू कीप द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट अंडर नॉन फॉरेन करेंसी ड्राफ्ट ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स एंड नॉन डीडीए प्रोसीजर ऑफ रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स इन इंडिया विद द अकाउंट मेंटेनिंग ब्रांच, कि जो एडी कैटेगरी वन ब्रांच है वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट का अमाउंट विद द अकाउंट मेंटेनिंग ब्रांच भी आप क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर फोर प्रोसीजर्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वोस्टो अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनके अंदर पेमेंट्स फैसिलिटेट करवा सकते हैं। चार प्रोसीजर्स कौन कौन से हमने देखे, डीडीए डेजिग्नेटेड डिपॉजिट एजेंसी, नॉन डीडीए जिसके अंदर ना आपको अकाउंट खुलवाने की जरूरत है ना आपको ऑडिटर्स अपॉइंट करने की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा स्पीड रेमिटेंस प्रोसीजर जो अलग से भी दिया जा सकता है, एक्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा फॉरेन करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट, जिस तरीके से रूपी ड्रॉइंग एग्रीमेंट था उसी तरीके से फॉरेन करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट देखा, उसकी हमने कुछ प्रोविजंस देखी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मिसलेनियस प्रोविजंस, कुछ और मिसलेनियस प्रोविजंस है जो हमने देखनी है। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो जो इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट हमने हर चैप्टर में देखी है कि बैंक्स को ये इंश्योर कराना है जो भी केवाईसी एएमएल की जो गाइडलाइंस है विद रिगार्ड्स टू एनी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको इंश्योर कराना है कि उनका अडेयर हो रहा हो, उनका कंप्लाई हो रहा हो। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, जो भी उनके रुपी या फॉरेन करेंसी ड्रॉइंग एग्रीमेंट होंगे उसको अपने कंकरेंट ऑडिट का पार्ट बनाना है ताकि इंश्योर कराया जा सके कि जो भी वोस्टो अकाउंट्स के अंदर पैसा आ रहा है वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो क्या हो, जेन्युइन हो, उनके हम क्या कर ले, टाइमली बेसिस पे इंस्पेक्शन कर ले, टाइमली बेसिस पे उनको ऑडिट कर ले। उसके साथ साथ एडी कैटेगरी वन ब्रांच को क्या करना है, ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है ताकि ये इंश्योर कराया जा सके कि रुपया फॉरेन करेंसी अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन है उनका क्या कर रहा हो, हमने कंप्लाई करा हो। उसके साथ साथ कैटेगरी वन ब्रांच को क्या करना है, एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट लेनी है फ्रॉम द एक्सचेंज हाउसेस जिसको क्या करेंगे, उनके ऑडिटर्स सर्टिफाई करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, केवाईसी एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस को सर्टिफाई को कंप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली सी पॉइंट हमें क्या कर रहे हैं, आप ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करो ताकि इंश्योर कराया जा सके कि रेगुलेशंस को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए बैंक्स क्या कर सकते हैं, बैंक्स बोलेंगे एक्सचेंज हाउसेस को कि भाई तुम केवाईसी एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस को फॉलो कर ले, मान ली बात, बट उस चीज को हमें अपने ऑडिटर से सर्टिफाई करा के दो। तो एक्सचेंज हाउसेस क्या करेंगे कि इस चीज को सर्टिफाई कराएंगे कि ये गाइडलाइंस को हमने फॉलो करा है एंड उसकी क्या कर देंगे, कैटेगरी वन ब्रांच को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इन केस किसी भी अकाउंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी अनयूजुअल ऑपरेशंस होते हैं उसकी आपने क्या करनी है, रिजर्व बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद एडी कैटेगरी वन ब्रांच शैल इंश्योर दैट लाइसेंस ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस व्हिच हैज एक्सपायर्ड आर रिन्यूड एंड कॉपीज ऑफ ऑथेंटिकेटेड इंग्लिश वर्जन प्लेस्ड विद देम फॉर देयर रिकॉर्ड, कि सबसे पहले तो जिनके पास लाइसेंस होने चाहिए उनके पास लाइसेंस हो, इनकेस वो एक्सपायर हो चुके हो, उनका वो रिन्यू हो चुके हो एंड उनकी इंग्लिश वर्जन के अंदर आपने क्या लेनी है, कॉपी लेनी है। इंग्लिश वर्जन यहाँ स्पेसिफिकली क्यों मेंशन करा गया है, रीजन बीइंग आप कुछ कंट्रीज हो सकती हैं लाइक अरब कंट्रीज लगा लेते हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज के जो एग्रीमेंट्स होंगे वो उर्दू के अंदर होंगे, ठीक है,
या अरबी के अंदर होंगे, तो उसको क्या, उसको अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर कंडीशन लगा देगी कि जो भी आप एग्रीमेंट्स लोगे वो इंग्लिश वर्जन में होने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज हाउसिंग शुड नॉट एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट विद सर्विस प्रोवाइडर फॉर देयर बैक ऑफिस ऑपरेशंस इन इंडिया। बेसिकली एक्सचेंज हाउसेस समटाइम्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम अपना वर्क नहीं कर पा रहे, आप हमारे बिहाफ पे वर्क करो, एंड वो क्या कर सकते हैं, कुछ तरीके की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, लाइक ड्रॉइंग एडवाइसेस, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस। तो इस केस में एडी कैटेगरी वन ब्रांच को जो ये इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रॉइंग एडवाइसेस एंड स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, वो सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेनी है। जब तक वो एक्सचेंज हाउसेस से डायरेक्टली नहीं आती है, बैंक्स को किसी भी तरीके से एक्ट नहीं करना, ठीक है। बट सर्विस प्रोवाइडर की जगह पे एक्सचेंज हाउसेस क्या कर सकते हैं, हमने लीजन ऑफिस खोल सकते हैं। लीजन ऑफिस बेसिकली क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है, होता वो एक्सचेंज हाउसेस का ही है या जो फॉरेन एंटिटी है उसका ही होता है, उसके बिहाफ पे ही काम करता है और वो खुद का ही उसका ऑफिस होता है, ठीक है। उसके इसके अंदर एडवाइसेस और स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शंस लीजन ऑफिस के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई बैंक। नहीं तो इन जनरल नॉर्मली केसेस में जब तक एक्सचेंज हाउसेस आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, आपको एनी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक्ट नहीं करना है। बट अगर वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं लीजन ऑफिस से एंड आपके पास आरबीआई की अप्रूवल है, तो आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडी कैटेगरी वन ब्रांच शुड ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ एक्सचेंज हाउसेस हुज नेम एंड कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा हैज अंडरगो चेंजेस। कि इन केस किसी भी एक्सचेंज हाउसेस के जो अकाउंट्स हैं उनके नाम में या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, तो क्या उनके अकाउंट को हमने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, उसके लिए हमें क्या लेनी है, आरबीआई से अप्रूवल लेनी है। तो ये कुछ थी हमारे पास मिसलेनियस प्रोविजंस जो हमने इन अकाउंट्स के रिलेटेड ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, हम पांच रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो हमने पांच रिपोर्ट्स क्या करनी है, रिपोर्ट जिसकी आपको रिपोर्ट बनानी है। इसके अंदर बेसिकली जो पहली चार रिपोर्ट है, रिपोर्ट ए, स्टेटमेंट ए टू स्टेटमेंट डी, ये आपको आरबीआई को रिपोर्ट नहीं करनी होती, ये आपको क्या करनी है, अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है, ताकि इन केस उसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी नॉन कंप्लायंस लगता है, कोई भी रिस्क लगता है, उसके ऊपर क्या लिया जा सके, टाइमली एक्शन लिया जा सके। जो स्टेटमेंट नंबर ई होगी या स्टेटमेंट फाइव जिसको हम बोल रहे हैं, वो आपको क्या करनी है, आरबीआई को रिपोर्ट करनी है। तो एक एक करके हम स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए के अंदर हमने क्या बताना है, जो भी आपके रुपये और फॉरन करेंसी वोस्ट अकाउंट थे ऑफ द फॉरन एक्सचेंज हाउसेस, उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन हुए हैं, उनकी हमने एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। जो स्टेटमेंट तैयार होगी वो एवरी मंथ होगी, मंथली बेसिस के ऊपर बनाई जाएगी, ठीक है। जो स्टेटमेंट होगी उसके अंदर हमने बेसिकली ये इंश्योर कराना है कि जो भी एक्सचेंज हाउसेस की पाइपलाइन थी, मतलब जिनको भी उनकी पेमेंट करनी थी, क्या उनकी पेमेंट के लिए उस अकाउंट के अंदर एडिक्वेट फंड्स थे या नहीं थे, एंड हम उन पाइपलाइन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, उनकी अलग से लिमिट्स बना सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट ए बनानी है मंथली बेसिस पे, जिसपे ये होगा कि फंड्स उसके अंदर एक्चुअली एक्यूरेट थे या नहीं थे, ताकि उनके बेसिस पे आप क्या कर सको, लिमिट सेट कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेटमेंट नंबर बी। स्टेटमेंट बी हाफ ईयरली बेसिस पे बनती है। इसके अंदर हमने इस चीज की रिपोर्टिंग बनानी होती है कि जो भी आपके रुपी फॉरन अकाउंट रुपी या फॉरन करेंसी वोस्ट अकाउंट थे, उनमें से ऐसे कौन से अकाउंट है या तो जो क्लोज हो चुके हैं या क्लोजर के प्रोसीजर के अंदर है। स्टेटमेंट नंबर सी आती है। स्टेटमेंट नंबर सी भी बनती है मंथली बेसिस के ऊपर। मंथली बेसिस के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग द एक्सचेंज हाउसेज अकाउंटेड अकाउंट्स हेल्ड एट ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ द इंडियन बैंक्स अंडर डीडीए नॉन डीडीए प्रोसीजर फॉर होल्डिंग कलेक्शन प्रोसीड्स एंड एडिशनल कोलेटरल्स। कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज हाउसेज होंगे, अगर उनका हमारे ब्रांच, हमारे बैंक की ओवरसीज ब्रांच का कोई अकाउंट है, उसकी आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट सी के अंदर डिटेल देनी है। स्टेटमेंट डी मंथली बेसिस पे बनती है। इसके अंदर हम फॉरेन करेंसी वोस्ट अकाउंट के ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। नोट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि रिपोर्टिंग आपको रिजर्व बैंक की नहीं करनी, डायरेक्ट आपको मैनेजमेंट की देनी है। नेक्स्ट आती है स्टेटमेंट ई, जो आपको क्या करनी है, आरबीआई को सबमिट करवानी होती है। ये बनती है क्वार्टरली बेसिस पे। इसके अंदर आपको क्या देना है, कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑन टोटल रेमिटेंसेस रिसीव्ड एवरी क्वार्टर एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कि आपको कितनी रेमिटेंसेस मिली है एंड आपको कितनी आपने और बिजनेस की आपके कितने ग्रोथ हुई है, क्वार्टरली बेसिस पे बनानी है। एंड जिस क्वार्टर की वो रिपोर्ट है, क्वार्टर एंड के अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिपोर्ट क्या कर देनी है, आरबीआई को सबमिट करा देनी है। तो टोटल 5 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। 3 रिपोर्ट बनती है मंथली बेसिस पे, 1 हाफ ईयरली बेसिस पे, 1 क्वार्टरली बेसिस पे। जो क्वार्टरली बेसिस की रिपोर्ट है वो है ट्रांजेक्शन की डिटेल और ग्रोथ ऑफ बिजनेस की डिटेल, वो आपको आरबीआई को सबमिट करानी है। उसके अलावा जो 4 डिटेल्स हैं, उसमें जो मंथली रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो जो भी आपके वोस्ट अकाउंट्स के अंदर ऑपरेशंस हुए उसके बारे में, ठीक है। ओवरसीज के अंदर अगर अकाउंट्स मेंटेन्ड हो उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद
जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हुए उनकी आपको मंथली स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है ऑन द मंथली बेसिस, ठीक है। हाफ ईयरली स्टेटमेंट एक बनती है, उसके अंदर आपने ये बताना है कि आपके कौन से अकाउंट या तो क्लोज हो चुके हैं या क्लोज होने वाले हैं। तो ये पांच स्टेटमेंट क्या करनी है आपको, रिपोर्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, दैट इज एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू बेसिकली क्या, बैंक्स को अकाउंट्स का क्या करना है, वोस्ट अकाउंट्स का एनुअली बेसिस पे रिव्यू करना है। एनुअली मतलब जनवरी 1 टू दिसंबर 31, इस पीरियड का आपने रिव्यू करना है एंड उसकी रिपोर्टिंग अगले साल की 30th जून तक आपको क्या कर देनी है, आरबीआई को सबमिट करा देनी है। बेसिकली रिपोर्टिंग होगी जनवरी 1 टू दिसंबर 31 कैलेंडर ईयर की एंड 6 महीने आपको दिए जाते हैं, 30th जून तक आपको इस चीज की रिपोर्टिंग कर देनी है, एनुअल रिव्यू की रिपोर्टिंग आपको कर देनी है। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें बतानी है कि जो भी आपके एक्सचेंज हाउसेस थे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमने देखा था, आप उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, बैलेंस शीट मांग सकते हो, प्रूफ एंड लॉस एटसेट्रा मांग सकते हो। उसके बाद उनके लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी है एंड क्या उन्होंने केवाईसी एमएलएक्सी एफटी गाइडलाइंस क्या उन्होंने कंप्लाई करा है, ठीक है। इनकेस एडी कैटेगरी 1 ब्रांच को किसी भी तरीके का लॉस सफर करना पड़ा है ड्यू टू द एक्सचेंज हाउसेस, ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन, एनी इवेंट, एनी डिस्प्यूट, उस चीज की भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। हर अरेंजमेंट से आपको कितनी बिजनेस टर्नओवर हो रही है उसको आपको बताना है। फंडिंग एग्रीमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वोस्ट अकाउंट उसकी आपको डिटेल देनी है। हाफ ईयरली इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफ द एक्सचेंज हाउसेस उसकी भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग देनी है। सुपरविजन आपने किस तरीके से करी है उस चीज पे आप रिपोर्ट दोगे। इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से वोस्ट अकाउंट के अंदर वर्क कर रहा है उसको भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग देनी है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड अगर है तो उसकी रिपोर्टिंग देगी एंड एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ डायरेक्शंस इफ एनी इशूड बाय द बोर्ड शुड बी फॉरवर्डेड टू द रिजर्व बैंक अलोंग विद द एनुअल रिव्यू नोट। कि एनुअल रिव्यू में आप ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट की तो जो आपने कलेक्ट करा है उसकी तो इन्फॉर्मेशन दोगे एंड इस रिगार्ड में किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई इंटरनल पॉलिसी है तो वो भी आपको क्या करनी है, आरबीआई को फॉरवर्ड करनी है। तो इन 9 चीजों के बारे में आप जब आप रिपोर्टिंग करो इन 9 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ while submitting the annual review the particulars such as complete particulars of drawing arrangements that the AD category 1 branch have with the house exchange houses with the date approval of the RBI and the opening of vostok account date of termination of drawing agreements and number of drawing branches under each agreement should be included। ki aap jab review aapne annual review basically kya आपको ईयरली बेसिस पे एनुअल रिव्यू देना है, अगले साल की 30th जून तक अपने डिपॉजिट कराना है। आपने 9 चीजों को ध्यान में रखना है जब आप ये रिपोर्टिंग दे रहे हो। उसके साथ साथ आपको क्या क्या सबमिट कराना है, जो भी आपके ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स हैं उनके कंप्लीट पर्टिकुलर्स, ठीक है। इन केस आपके जो ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स हैं उनका टर्मिनेशन हुआ है, उनकी टर्मिनेशन, हर अरेंजमेंट के साथ कितने ड्रॉइंग ब्रांचेस इन्वॉल्व्ड है उसके आपने नंबर, ये 3 चीजें भी आपको क्या करनी है, अपने एनुअल रिव्यू के साथ सबमिट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना पार्ट 2 पार्ट 3 शुरू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए 10 out of 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई सूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको WhatsApp टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।